लिटरेचर में ही कालिदास इसी समय में थे। कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहा गया है। इनके द्वारा रचित कई किताबें हैं। वैसे तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह प्रारंभ में बहुत बड़े मूर्ख थे, ये उसी डाल को काट रहे थे जिसपे बैठे हुए थे। पांच विद्वान ब्राह्मण विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से पराजित होकर एक मूर्ख की खोज में जा रहे थे। इन्हें देखा तो ये उसी डाल को काट रहे थे जिसपे बैठे हुए थे। इन विद्वानों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। कालिदास को विद्योत्तमा के दरबार में ले गए और इनको इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि यह एक महीने का मौन व्रत धारण किए, आपके प्रश्नों का उत्तर इशारों में देंगे। विद्योत्तमा मान गई। विद्योत्तमा ने एक उंगली का इशारा किया। मूर्ख ने समझा एक आंख फोड़ने का इशारा कर रही। मूर्ख कालिदास ने दो उंगलियां दिखाई। पास में बैठे ब्राह्मण विद्वानों ने दो उंगली का मतलब विद्योत्तमा को समझाया। आपने कहा इस संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर एक हैं, लेकिन हमारे पंडित जी कालिदास कह रहे हैं आत्मा परमात्मा मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर बने हैं। विद्योत्तमा मान गई। दूसरा प्रश्न विद्योत्तमा ने किया पांच उंगली दिखाकर। मूर्ख ने समझा थप्पड़ लगाने का इशारा कर रही है। मूर्ख कालिदास ने फिस्ट दिखाया, घूंसे दिखाया। ब्राह्मण विद्वानों ने फिर समझाया, आपने कहा इस संसार में पांच तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीर। पंडित जी कह रहे हैं ये पांचों मिलकर शरीर बनी। विद्योत्तमा प्रसन्न हुई, अति प्रसन्न हुई और कालिदास से विवाह कर लिया। साथ साथ रहने लगी। अंततो गत्वा एक महीने बाद इनका मौन व्रत टूट गया। एक ऊंट को देखकर भावुक हो गए, ऊंट शब्द मुंह से निकल नहीं पाया। लड़खड़ा गई इनकी जवान, उष्ट करने लगे। उतनी देर में ऊंट भी गायब हो गया। तब विद्योत्तमा को समझ में आया ये तो महामूर्ख है। जबरदस्त इन पर एक लात से प्रहार किया। सामने मां काली के मंदिर में जाके गिरे। साइड्स जीभ कट गई, ब्लड निकला। देवी काली खुश हो गई और देवी काली ने इनको वरदान दे दिया। तभी से ये महाकवि कालिदास कहलाए। दोस्तों, कालिदास ने कई किताबें लिखी है जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सबसे फेमस किताब है। रघुवंशम इन्होंने पहली किताब लिखी है। इस किताब में इन्होंने पार्वती यानी दुर्गा, परमेश्वर यानी शिव की पूजा किया है। वागर्था विव संप्रक्त वागर्था प्रतिपत्तय जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये पहला श्लोक इन्होंने लिखा था, यानी पार्वती परमेश्वर, पार्वती और शिव के लिए। इस तरह से इनकी पहली किताब है ये रघुवंशम। दूसरे इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तीसरी किताब मेघदूतम। चौथी किताब विक्रमोवर्षीय है। पांचवी किताब कुमार संभवम। छठी किताब ऋतु संहारम। और एक सातवीं किताब भी लिखा है मालविकाग्निमित्रम। ये सात किताबें कालिदास ने संस्कृत भाषा में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में लिखा था। इस कारण चंद्रगुप्त सेकंड की वजह से इस काल को क्लासिकल एरा भी कहा गया है। गोल्डन पीरियड तो कहलाता ही है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया है, लेकिन कालिदास की इन किताबों की वजह से इसे क्लासिकल एरा यानी शास्त्रीय काल भी कहा गया है।